देख रहे हैं हिंद 24 टीवी खबर पल पल की। रोहतास पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सुनील सुनकर हत्याकांड मामले में वांछित 3 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबर सासाराम से है, जहां शनिवार की रात नगर थाना क्षेत्र के भारतीलगंज में हुए सुनील सोनकर हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी जगन खटीक, बादल बहेलिया तथा अमजद गद्दी को पुलिस ने अठखंभवा इलाके से गिरफ्तार किया है। बता दें, शनिवार की रात सौभाग्यगंज निमटोली में रहने वाले सुनील के अपराधियों ने हत्या कर दी थी। रोहतास के SP आशीष भारती ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है, जिससे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। रोहतास से रूपेश कुमार की रिपोर्ट। 6-7 की रात्रि को एक व्यक्ति जिसका नाम सुनील कुमार है, जो कि शोभागंज निमटोली मोहल्ला का रहने वाला है, इसकी गोली मार करके इनकी हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में सासाराम टाउन थाना कांड संख्या 888 और 21 दर्ज किया गया था। इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया था तथा SDPO सासाराम के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें SHO सासाराम टाउन एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी और कर्मी कार्य कर रहे थे। और आज यह जानकारी मिली कि जो इस घटना को कारित करने में जो शामिल अपराधी हैं वो यहाँ पे घूम रहे हैं, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया गया और 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम है जगन खटीक और बाबू खटीक, बादल बहेलिया और अमजद गद्दी, और साथ में जगन खटीक के घर से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। जगन खटीक का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है और कई सारे वो मामले में शामिल रहा है, जिसमें वो गंभीर मामलों में शामिल रहा है। इस प्रकार से लगभग 30 घंटे के अंदर ही एक महत्वपूर्ण घटना में सभी अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और उनको स्पीडी ट्रायल करा करके जल्द से जल्द सजा दिलाया जाएगा।